हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेरे प्रीवियस व्लॉग को काफ़ी एंजॉय करा होगा आपने। तो आज हम लोग आ चुके हैं डे टू में पुरी में, जहां हम जा रहे हैं चिल्का लेक, जो हमारे होटल से अराउंड 55 to 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ का वेदर बहुत ही ऑसम हो रखा है। इस टाइम धूप होनी चाहिए पर धूप इतनी है नहीं अभी, तो हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं वेदर को। ये आप बाहर देख सकते हैं, ब्यूटीफुल सा व्यू है और रोड्स काफ़ी नीट एंड क्लीन है यहाँ की। फ्रेंड्स, हमने एंटर कर लिया है विलेज एरिया में। यहाँ पे छोटे छोटे से पॉन्ड्स वगैरह बने हुए हैं, ये बैक वाटर पॉन्ड्स हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे नहाते हैं, कपड़े वॉश करते हैं अपने। तो इन्होंने थोड़े थोड़े गैप में ही बना रखे हैं ये छोटे छोटे से पॉन्ड्स इस विलेज में। बाकी यहाँ पे वन वे रोड है ये और काफ़ी सुंदर है व्यू यहाँ का। ये देखिए आप, पूरी वन वे रोड है ये। गाइज, अब हम आ चुके हैं चिल्का पॉइंट पे, तो अब हम टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। पहले यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बोटिंग है। एक का टिकट प्राइस है 3000 जो डेढ़ घंटे की है, देन दूसरी वाली का टिकट प्राइस है 4500 जिसकी टाइमिंग है 3.5 आवर्स और उसमें आप 4 आवर्स भी हो जाते हैं, 4-5 आवर्स हो जाते हैं अराउंड। इन पॉइंट्स में रेटरे पॉइंट, सी माउथ आइलैंड, डॉल्फिन पॉइंट एंड एक बर्ड पॉइंट है, वो सब इंक्लूड है हमारे वाले में। और जो डेढ़ घंटे वाली होती है उसमें सी माउथ और रेड ट्रैप पॉइंट ही इंक्लूड होता है। बाकी ये राइड में आपको बर्ड्स के पॉपकॉर्न वगैरह अवेलेबल होते हैं, आप रास्ते में देना चाहते हैं तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं पहले। तो चलिए चलते हैं चिल्का लेक में एंट्री करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है तो अराउंड 1/2 आवर या 1 आवर का वेटिंग भी होता है। तो आप यहाँ पर टिकट फटाफट चेक करा लें अपनी, जिससे आपका नंबर बुक हो जाए पहले ही और जल्दी से आपका नंबर आ जाए। गाइस, हमने एंट्री कर ली है बोट में, तो आगे का सफ़र बहुत ही सुहाना होने वाला है। ये देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये आ गए हम हमारे कप्तान साहब बोट के, बोट चालक जिन्हें कहेंगे हम। आज इनके हाथों में ही हमारी ज़िंदगी है, बीच मझधार में ना छोड़ दें बस हमें ये। तो नज़ारों का लुफ्त उठाते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है रेड क्रैप पॉइंट। कुछ ही पलों में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये हम पहुँच चुके हैं रेड क्रैप पॉइंट। किनारे में उठते, अभी हाइटेड हो गया, ज्वार हो गया, पानी फोर चला गया, सिर्फ पकड़ के रखा आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ये आजकल जिसको कैंसर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर के लोग उनको सूप बना कर देते हैं और जिसका हाइट पट टूट जाएगा ना उसको खाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है। अच्छा, कहाँ से है? दिल्ली। ये छोटे छोटे ही होते हैं? नहीं, ये इतना बड़ा होता है, नहीं रहता है। हाँ, ये इतना बड़ा होता है। और जो खाने का चीज होता है, जो लोग खाते हैं, खाए जो कितना खाते हैं ना, वो बड़ा बड़ा होता है, ब्लैक और ग्रीन वाला, उसको खाते हैं लोग, उसको नहीं खाते। अच्छा, ये बीच में भी होते हैं ना? हाँ, ये बीच में होते हैं ना, ये मरीन ड्राइव बीच में देखा था ये। इस लाल का कलर देखा ना, थोड़ा व्हाइट वाला, ठीक है। हाँ, इसे ये नहीं, ये दवाई के लिए काम आता है। अच्छा, दवाई के लिए आता है। ये पानी में है सारे? ये पानी, ये ऊपर रहते हैं, अभी जब ज्वार आता है ये सब डूब जाता है। अच्छा, इसलिए पकड़ कर रखा आपको दिखाने के लिए। अच्छा, मिट्टी में जिंदा रहते हैं? हाँ, क्या लाइफ रहती है, कितने साल तक जीते? ये 6-7 साल बस। ये जमीन के अंदर घुस जाते हैं फिर छेद करके? जमीन के अंदर जो होल कर देते हैं। हाँ, उसको हाँ, निकलते हैं ना एकदम से। आप जो उनके पास जाए ना, वो दौड़ते गुस्सा कहीं से जो होल के अंदर, ये कोई मारते हैं अपने, ये कुछ नहीं करेंगे, हाथ लगा तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये दवाई के लिए काम आता है। ये कैंसर था, मुंबई में रहते हैं, ये क्या मालूम होता है? सीशेल है। सीशेल, सीशेल है। उसको दिखाने के लिए 6 महीने को 8 करोड़ का टेंडर होता है।
ये आपका इसी के अंदर से मिलते हैं नेशनल मोती भी है। अच्छा आपका सबके अंदर किसी किसी में जिस इसमें स्वाति नक्षत्र का देखा बारिश का बूंद गिरेगा उसी के अंदर से मोती मिलता है। एक्चुअल ये हमारा मालिक बिहार का विपिन कल मुंबई का विमंचल वो उनके पास में काम कर रहा है। ये सेल आपको सूट नहीं करेंगे क्योंकि पानी आपको सूट नहीं करेंगे क्योंकि आपका हॉइट नहीं इसलिए बताएं उससे दूर तो देखना पड़ा किसके अंदर है किसके अंदर नहीं। एक्चुअल सबके अंदर नहीं मिलता किसी किसी में मिलता है। इसी के अंदर से दो टाइप का मोती मिलता है एक सफ़ेद और ब्लैक। ब्लैक मोती जिसको घुटने का दर्द कमर दर्द जॉइंट पेन बीपी शुगर के लिए काम आता है और सफ़ेद बॉडी और दिमाग का ठंडा रखने के लिए गुस्सा शांत करने के लिए काम आता है। जॉइंट पेन के लिए तो भैया दे दो कोई मिलेगा। ब्लैक मोती बहुत रेयर मिलता है हजार दाम भी होता है। ये वाइट ही रहता है अंदर से वाइट होता है ओ आइस्टर आइस्टर इसको खाते हैं लोग। अच्छा सब खाते हैं हम लोग नहीं खाते हैं ये अंदर का वाइट वाइट खाते हैं लोग। हाँ उसको खाते हैं लोग। ये नॉन वेज में ही आता है। हाँ ये नॉन वेज में आता है। समुद्र का जो मच्छर लोग रात को जाते हैं मछली पकड़ने के लिए 10-10 फुट अंदर जाल लगे जाल के अंदर से पर्यटक है हमारा मालिक लेकर आता है हमको देते हैं यहाँ पे सेल करने के लिए। हमारा काम होता है आपको सेल करने के लिए। अच्छा देखिए इसके अंदर अच्छा मोती है। ये अंगूठी होगा टॉप्स होगा बिस्किट होगा पेंडेंट होगा ईयर रिंग होगा माला होगा जो लेकर बना पाए ये बढ़िया दिमाग का ठंडा रखने के लिए गुस्सा शांत करने के लिए काम आता है। ये वाला ये इधर ये हमारे पास ज्यादा नहीं आप ज्वेलर में खरीदेगा तो आपको 2,800-1,200-2,500 ऐसे आएंगे आपको कैरेट के हिसाब से लेना पड़ेगा। ये हमारे पास 280 पर इंच। अच्छा ये ले मोती ये अंगूठी होगा टॉप्स होगा ब्रेसलेट होगा पेंडेंट होगा एक और मिल जाएगा ऐसा रहता है। देखिए ये ऐसा वैसा चीज नहीं देखिए ऐसा रहते हैं माँ का पेट में जैसे बच्चा रहते हैं है इसमें भी ये ब्लैक बहुत रेयर मिलता है। देखिए ये देखिए एक चीज देखो एक भी स्पॉट नहीं आएंगे जिंदगी भर ऐसे कलर रहेंगे। सात दिन के बाद मोती को निकाल देंगे जो पानी कुबाड़े के रहते हैं ना अंदर समुद्र के अंदर जो पहाड़ होता है ना पहाड़ के अंदर ये सब रहते हैं जो लोग ऑक्सीजन लगा कर कुबाड़े में बताते हैं उसको कलेक्शन लेकर आते हैं। देखो ये जनवा स्टोन बनाते हैं ये जनवा स्टोन बनाते हैं इसमें स्टोन मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। देखिए लाल पल्ला ये मंगल के लिए गुड हेल्थ के लिए काम आता है। ये रक्त प्रवाल ब्लड को सफेद सुंदर के लिए और मंगल कुशल के लिए काम आता है। सब में निकलता है किसी किसी में निकलता है भी। ये 98% मिलेगा 6% मिलता है। ये भी ऐसे कोई ये खाते हैं ये ऐसी समान ये वैसे नहीं उसको नहीं खाते। ये तो टूटी लो है सर है देखिए एमराल्ड हीरा का तमन्ना है तपन्ना मुझे मिल जाए ये पढ़ा लिखा स्टूडेंट के लिए मेमोरी पावर को तेज करने के लिए और बिजनेस के लिए काम आता है। देखो पन्ना ये होता है 1100 रुपये का होता है ये 1400 रुपये का होता है।
ताड़ा बंद करिए। देखिए लाल वाला मूंगा कैसे रहता है, माँ का पेट में जैसे बच्चा रहते हैं। ये भी उगता है पानी के अंदर? नहीं, ये ऊपर उठता नहीं। ये कैसे मिलता है? ये जो लोग ऑक्शन लगा कर बड़े हो जाते हैं ना, वो कलेक्शन लेकर आता है। ये हस्बैंड वाइफ का भी जुदा रहेंगे, जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं लाइफ को डेवलपमेंट करने के लिए। ये लव एंड अफेक्शन, ये लाइफ पार्टनर स्टोन, मून मून मतलब चंद्र भगवान, ये सारे लोग को चाहिए। ये 28 रुपए का है, देखिए देखो पानी में देखा कितना रिफ्लेक्शन आता है। देखो उस साइड बैठिए, देखो पानी में कितना रिफ्लेक्शन आता है। और फुकराज मिलता है, रूबी मिलता है, नीलम मिलता है, गोमेद मिलता है, शतप्रभा मिलता है। ये डायमंड है? नहीं, डायमंड कोयला खान में मिलेगा। ये क्या बोलते हैं सर? मूनस्टोन ओपल। मूनस्टोन ओपल लगता है। ये लव एंड अफेक्शन मतलब हर रोज साथ साथ रहेंगे। दोनों टच करते हैं, दोनों टच कर ले, सारे एक साथ रखना। तो ये गाइस ये कोरल भी बोलते हैं इसको, उसको कोरल कहते हैं। कोरल सुंदर वाला, उससे सुंदर वाला। ये देखो वाइट कलर, ब्लैक एंड वाइट मोती। गाइज अब हमने ये 31 पर्ल्स परचेज कर लिए हैं, 250 ईच हमें पड़ा है, और 3 हमने मून स्टोन्स लिए थे जो इन्होंने हमें 1800 पर पीस के रेट पे लगाया है। 28 है अभी, 30 लेंगे ना आप तो निकाल लेना भैया। तो ये अपने लॉकेट लॉकेट बोलते हैं, नेकलेस बोलते हैं, नेकलेस के लिए मोती ले रही हैं। 280 रुपीस का एक शेल है यहाँ पे। और ये ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक वाला बहुत रेयर होता है। 30 मोती नहीं है, एक तो फ्री था। क्या लेते हैं, 3000 का माल लेकर गए हैं। अब हम आगे चल चुके हैं अपने सेकंड पॉइंट, बर्ड पॉइंट की तरफ। यहाँ हम थोड़ा फूड डालेंगे बर्ड्स को, जो हम घर से लेके गए थे अपने ब्रेड्स, चीज़ ब्रेड हमने परचेज कर ली थी होटल के पास से, और हम वो डाल रहे हैं। सर यहाँ पे आप इनको दाना डालते रहो, ये आपके पूरे साथ चलेंगे इन ट्रिप तक। हाथ मत खाना भैया, अरे बाबा। भैया जाओ 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 जाओ, इसका मुंह कितना काला है। ये साइड में बहुत सारी बोट्स हैं, मेरे ख्याल से लोकल पीपल की होंगी यहाँ के। Thank you.
जो बैम्बूस लगे हुए हैं, ये बेसिकली मैंने पूछा तो ये बता रहे हैं कि इनका वाटर लेवल मेजर करने के लिए है। तो गाइस अब वेव्स थोड़ी बढ़ती हुई, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल टच करता है। अब बोट भी बहुत ज़्यादा हिलने लग रही है। आपको आइलैंड आएगा, कौन सा आइलैंड है? यहाँ के लोकल बोल रहे हैं कि यहाँ पे कहो ना प्यार की शूटिंग हुई थी। तो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं डॉल्फिन पॉइंट पे। यहाँ पे ये वेव्स देख रहे हैं आप, तो ये बोल रहे हैं जहाँ थोड़ा थोड़ा बबूले से उठेंगे वहाँ पे आपको डॉल्फिन एकदम निकलती हैं। तो देखते हैं कि डॉल्फिन हमें दिखती हैं नहीं दिखती हैं। इस टाइम थोड़ी बोट रुक जाएगी हमारी, फिर देखते हैं हमें बोट्स में डॉल्फिन दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, क्या होता है। बने रहिए वीडियो में, होप कर रहे हैं कि डॉल्फिन्स देखने को मिल जाए हमें। इतनी दूर आए हैं तो ये लोग कह रहे हैं गर्मी में थोड़ा कमी निकलती है बाहर। तो गाइस फाइनली हमें मिल गई है डॉल्फिन देखने को, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। हमने बहुत ही सुंदर मोमेंट्स कैप्चर करे हैं, ये देखिए डॉल्फिन्स। ये पूरी बाहर नहीं आ रही है गर्मी की वजह से। फ्रेंड्स ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है आइलैंड जहां हम थोड़े ही देर में पहुंचने वाले हैं। ये हमारे आगे एक बोट और जा रही है, विद इन 10 to 15 seconds हम भी वहां पहुंच जाएंगे। देखते हैं कौन सी बोट पहले पहुंचती है, हमारी या इनकी। हमारी थोड़ी स्पीड तेज़ है क्योंकि हम दो ही लोग हैं, तो हम देखिए थोड़ा आगे निकल चुके हैं इनसे। किनारे पे लगाने जा रहे हैं अपनी बोट को और फिर उतरेंगे और देखेंगे यहाँ का नज़ारा क्या है और आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये खाट बनी हुई है यहाँ पे, देन अब बोट को लगा देते हैं साइड, करते हैं उतरने की तैयारी। चलिए ये भैया आ रहे हैं बोट को रोकने के लिए, देन तो आइलैंड आ चुके हैं हम। खाने को यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत कुछ है, और वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ मैगी और झालमुरी बोल रहे हैं। आइलैंड के पीछे एक छोटा सा पॉन्ड है, तो ये सारे झाऊ के पेड़ हैं, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ के। ये बीच है, क्या नाम है इसका? सीमाउथ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल है गाइस, बहुत अच्छी हवा चल रही है।
फाइनली आ गई। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं सी माउथ आइलैंड बीच पे। ये जस्ट आइलैंड के पीछे ही है, आगे शॉप्स हैं, देन पीछे बैक में ये बीच है जिसे यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि ये बे ऑफ बंगाल है। हमने यहाँ थोड़ी मस्ती करी। ये देख सकते हैं आप पूरा नज़ारा बीच का। इस पूरे सफ़र में हमने थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बनाई और जो थोड़ी बहुत मस्ती करी रील्स की वो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे चेक कर सकते हैं जिसकी आईडी है शुगर एंड स्पाइस वर्सेस मीन एंड काइंड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप वहाँ जाकर मेरी रील्स भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस ये 4.5 आवर्स का ट्रैवलिंग जो था बहुत ऑसम लगा। प्लीजेंट वेदर है के सामने पोज मारे जा रहे हैं। हमने क्रैब्स दिखे, सी कोरल्स दिखे और डॉल्फिन सीखी और सर्बियंस बर्ड दिखे। बाकी चलते चलते पानी की छपाक लगती हुई। तो गाइस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप कपल में आ रहे हैं तो आप अपना अलग ही बोट लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट देख के लोग सोचते हैं कि शेयरिंग बेसिस पे हो जाएगा, वो ना ही करें तो अच्छा है क्योंकि कुछ लोगों को सी सिकनेस होती है। तो बहुत लोग देखे मैंने वो आधे रास्ते में ही वापस हो लिए। तो अगर आपको उनके साथ होता तो आपका भी ट्रिप ख़राब हो जाता। तो कॉस्ट की चिंता बिना करे हुए आप अपना अलग ही बोट लीजिएगा। तो गाइज अब हो रहे हैं इवनिंग के 5:30 और ये हो रहा है ब्यूटीफुल सा सनसेट। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड और मेरा day 3 का व्लॉग देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।